सीनियर मिर्ची में आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूँ, दिल तो दीवाना है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीनियर मिर्ची में। तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं। विदेशों में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके परिवार में जो विचारों में मतभेद है, बेटे में, बेटी में, माँ बाप में, एक कहानी वो है और एक कहानी वहाँ पर जो नौजवान बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं वो किस तरह से अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करते हैं विदेशों की कम्युनिटी में, और किस तरह से फिर एक एक दायरा बनता है जो आपसी अपने भारतीयपन का और भारतीय समाज का, उसी की एक कहानी। और तीसरा एक किस तरह से हमारी संस्कृति दूसरे मुल्कों में भी आज जिंदा है, किस तरह से अदब कायदे के साथ रह रही है। और तीन बच्चों की लव स्टोरी है, इसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक पंजाबी है। तो फिल्म का जो टाइटल है दिल तो दीवाना है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक तो परिवार में भी माँ बाप जब बच्चों को बताते हैं कि ये मत करना, वो मत करना है, तो वो एक दीवानगी की उम्र होती है। वो ही करते हैं जो माँ बाप मना करते हैं, क्योंकि वो करके आजमाना चाहते हैं। दूसरा मोहब्बत के दूसरा ट्रैक मोहब्बत के बारे में भी, कि आप उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे किसी एक की मोहब्बत जो आपने जानी थी वो ख़त्म हो गई, आप अपनी मोहब्बत की एक और पराकाष्ठा उसके आगे लेना चाहते हैं। और तीसरा, तीन दोस्त हैं जिनकी अपनी एक दीवानगी है, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग समाज के हैं और अलग अलग विचारधारा के हैं, और तीनों कैसे मिलते हैं और किस दीवानगी के हद को पार करते हैं। तो वो जो दीवानगी है वो परिवार में भी है, वो मोहब्बत में भी है और वो दोस्ती में भी है। तो आपके अकॉर्डिंग फिल्म की यूएसपी क्या है? टीनेजर का जो आज का जो एक फीलिंग है, जो रिबेल, वो एक एक ऐसे मकाम पर जाना चाहते हैं जहाँ पे अगर वो फेलियर है या सक्सेस है, जिसकी क्रेडिट और डिसक्रेडिट वो खुद चाहते हैं, वो उस तरह की बंदिश नहीं चाहते हैं। और इसी तरह जो हमारा आज समाज है, जो आज के हमारे नौजवान हैं, जो बिल्कुल दूसरी पीढ़ी के नौजवान हैं, जो आईटेक हाईटेक सब एक साथ लेके पैदा हुए हैं, और वो किसी तरह के बंधे हुए संस्कारों में नहीं रहना चाहते। अगर उनकी समझ से कोई संस्कार आता है तो वो ठीक है, और सही बात यह है कि क्रेडिट और डिसक्रेडिट वो दोनों लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर वो ताली भी ले रहे हैं तो गाली भी लेंगे, ये फिल्म का मैसेज है। दीपक जी, ये क्या आपकी पहली फिल्म है? पहली फिल्म। ओके, तो क्या मतलब कैसे आना होगा फिल्म लाइन में? बेसिकली मैं ऑलरेडी मीडिया से कनेक्टेड हूँ थ्रू दिल्ली, जैसे कि ब्रॉडबैंड बिजनेस से, वहाँ के केबल बिजनेस से, और तो हम लोग बेसिकली पूरा वहाँ पे सिटी केबल रन करते हैं दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही मीडिया से जुड़े हुए थे लॉन्ग बैक, उसके दौरान वी मूव टू रियल इस्टेट। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके, जब बॉम्बे में आया मैं, तो मैंने कुछ प्रोडक्शन हाउसेज में एज एन क्रेज ज्वाइन किया, प्रोडक्शन सीखने की कोशिश की। उसके बाद लगा कि फिल्म बनानी चाहिए, राजा जी से मुलाकात की, राजा जी मुझे बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट राजा जी ने सुनाई और मेरे को लगा कि भैया फिल्म बनानी चाहिए, तो इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म बनाई और एक टीवी सीरियल बनाया हम लोगों ने, चला दूरदर्शन के ऊपर। टीवी सीरियल कौन से थे अपने? जो हमारा कुल की ज्योति करना करके सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था। तो ऑलरेडी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से सीरियल बना ही चुके हैं, तो हमने अभी दिल तो दीवाना फिल्म बनाई है। राजा जी ने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है फिल्म के अंदर। फिल्म का बजट क्या हुआ? फिल्म का बजट होगा कोई 4-1 करोड़ रुपए के आसपास। तो इससे आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब अगर आगे हम फिल्में बनाएंगे? ऑलरेडी कहानियों पे काम चल रहा है, बट आज हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले चाहते हैं पूरा फोकस करके इस फिल्म को रिलीज करते हैं। और नेक्स्ट बिल्कुल 100% और प्रोडक्शन हाउस जैसे यहाँ पर आए फिल्म बनाते रेगुलर, वी आर रेगुलर प्रोड्यूसर्स, वो ये कम्प्लीट होगी, नेक्स्ट चालू हो जाएगी। अच्छा, फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बताइए जी। हीरो के लिए हैदर खान जी हैं, जो आमिर खान के सौतेले भाई हैं। ना ताहिर हुसैन साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो ये जब लाए तो इन्होंने बताया नहीं कि साहब ये ताहिर साहब के वो चश्मो चिराग हैं। जब हमारा ऑडिशन हुआ, हमें लड़का ठीक लगा, चाहिए ही था खुद काठी वाला खूबसूरत सा हीरो। सदा हम लोग पिक्चर देख चुके थे अपरिचित, अनियन, तो हमें सदा के लिए। बाकी जीनत अमान जी की कास्टिंग थोड़ी सी क्रूशल थी, क्योंकि हमें नॉन इंडियन फेस चाहिए था जो मलेशिया का लगे, और जो फिल्म उन्हीं के मैसेज मेरी फिल्म में उन्हीं के माध्यम से। राज बब्बर जी ने एक हार्ड अर्न जो एक पैसे वाला आदमी पहुंचता है, जो फिर हर बात में बताता है कि पैसा कितना मुश्किल से कमाया जाता है, और वो अपना संस्कार, अपना काम करने का तरीका दूसरों पे थोपते, वो राज भाई का रोल है। एंड देन आलोक नाथ हैज प्लेड ए मुस्लिम कैरेक्टर, आलोक जी यू नो इट हाउ। देन अरुण बख्शी हैज प्लेड ए सरदार, सुष्मिता मुखर्जी इज देयर। हेमंत पांडे जी का बड़ा बढ़िया रोल है,
जो मलेशिया में रह के भी हरियाणवी एक पुलिस वाला है, हाँ, वो बेचारा बहुत डांट भी खा चुका है मलेशियन पुलिस से, लेकिन अपना वो हरियाणवी पन नहीं निकल पाया। वो कहता भी अपने सीनियर से कि साहब भाषा तो जड़ी रहनी है, तो नौकरी रहनी है तो रहने दो। तो वो कहता भाई तू इतना ईमानदार है, भला है, तेरी भाषा से कोई शिकायत नहीं, तू यही कर, नौकरी कर और यही भाषा। तो कैरेक्टर अच्छे हैं और म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है आनंद राज आनंद का। बहुत लंबे अरसे बाद इतना सुरीला म्यूजिक देखेंगे और सुनेंगे, जिसमें पंकज उदास जी ने गाया, जावेद ने गाया, आपके जुबिन गर्ग ने गाया, श्रेया घोषाल। कितने गाने फिल्म में? 6 गाने हैं, एक भजन है, 5 गाने हैं। फिल्म का म्यूजिक मतलब आपके अकॉर्डिंग काफी अच्छा है? जी, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक USP फिल्म का म्यूजिक भी होगा, रिक्वायरमेंट थी। और आनंद राज आनंद जी का ये बढ़िया बात है कि उनका जो बैकड्रॉप है वो फोक है, और फोक कभी फेलियर नहीं होता है। फोक और क्लासिकल अगर कहीं बेस हो तो वो कहीं कहीं ना कहीं आपके दिल को छूता है। पंजाबी का उनका फोक है, और हमारी पिक्चर का चूंकि मूल रूप जो है विदेशी पंजाबी है, तो उनके फोक ने बढ़िया किया। रिलीज कब हो रही है? 23 जून को। तेईस जून ऑल ओवर इंडिया हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।